स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ परपज ऑफ रिसर्च हमने बात की कि एक्सप्लोरेटिव रिसर्च क्या होती है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ परपज ऑफ रिसर्च एंड दिस टाइप इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज़ एक्चुअली कंडक्टेड टू एक्सप्लेन वाई इवेंट्स अकर एंड टू बिल्ड लेबोरेट एक्सटेंड और टेस्ट थ्योरी एक्सप्ल्ट्री रिसर्च में जो है हमारे पास जो है वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन होते हैं हम उसकी बेसिस पे थ्योरी um, डिवेलपमेंट करते हैं और उस में अगर कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको हम टेस्ट करते हैं और उस थ्योरी में एडिशन करते हैं एंड इन एक्सप्लेनेट्री रिसर्च स्टडीज़ वी एक्चुअली डील विद द लार्ज सेट्स ऑफ डेटा एंड वी डू द रिग्रेस एनालिसिस जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती हैं उसमें जो डेटा सेट होता है यानी कि जो सैम्पल साइज होता है वो कम्पेरिटिवली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सप्लोरेटिव रिसर्च से बहुत बड़ा होता है यानी अगर हम एक्सप्लोरेटिव रिसर्च कोई फ्यू डजनस ऑफ पीपल के साथ करते हैं और डिस्क्रिप्टिव uh, रिसर्च में हमारे पास दो से तीन सौ लोग होते हैं तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में ये तादाद जो है वो बव दैन थाउजेंड हो सकती है और इसमें जो एनालिसिस होता है वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस नहीं होता उसमें इन्फ्रेंशल एनालिसिस भी होता है और इन्फ्रेंशल एनालिसिस में भी एडवांस्ड एडवांसड एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस किया जाता है स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग की जाती है और ये सारी चीज़ें हम जो है इस कोर्स में आगे जाकर देखेंगे uh, अगर मैं बात करूँ वाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च

फॉर इंस्टेंस इफ आई टॉक अबाउट द सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ वी बिलीव दैट एज सोशल साइंटिस्ट एंड सोशोलॉजि फैक्टर्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल दैन द इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि बहुत सारी हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बिहेवरियल कंसर्न के हैं तो अगर हम सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ पर अगर किसी डिजीज़ की प्रिवलेंस uh, को स्टडी कर रहे हैं तो हमें आ, फिर उसके ऊपर एक थ्योरी डेवलप करते हैं और उस थ्योरी को फिर हम टेस्ट करते हैं एंड इन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वी सपोर्ट और रिफ्यूट एन एक्सप्लेनेशन और प्रोडिक्शन वी प्योरली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द पर्टिकुलर हाइपोथेसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर डेटा वी एक्सेप्ट दोज प्रोडिक्शंस और वी रिजेक्ट दोज प्रोडिक्शंस एंड वी ट्राई टू लिंक इश्यूज और टॉपिक्स टू अ जर्नल प्रिंसिपल in on the basis of the result of uh, explanatory research we uh, become able to generalize the things for instance if we are conducting our res explanatory research on the mental health of the people during covid 19 and we investigated with uh, three kind of uh, variables of uh, economic social and mental well-being variables

देयर सोशल मोबिलिटी एंड देंटल वेलबींग ऑफ द पीपल कि वो कितने मैंटली स्ट्रांग थे तो इसमें से आपको अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ देखें तो शायद कुछ डिस्क्रिप्टिव uh, स्टडी uh, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ़ वेरिएबल के साथ हुई हो मगर तो अगर, अगर आप इस पर एक्सप्लिटरी स्टडीज़ देखेंगे तो उसमें यह तीनों सेट ऑफ़ वेरिएबल्स के साथ कोशिश की गई होगी कि मैंटल हेल्थ ऑफ द पीपल को हम असेस uh, कर सकें और उसमें फिर ये आपको उसके रिजल्ट में ये भी पता लगेगा कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप के साथ कौन सा वेरिएबल था जो कि ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोडिक्टर था जैसे कि जो यूरोपियन स्टडीज़ हैं उसमें ये बात जो है सामने आई है कि जो लोगों की सोशल मोबिलिटी थी उसने बैडली अफ़ेक्ट किया मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल व्हेन दे बिकेम लॉकडाउन इन देयर होम्स तो वो उनकी मेंटल हेल्थ बुरी तरीके से मुतासर हुई और वो ज़्यादा जो है कोविड नाइन्टीन का शिकार हुए हमारे यहाँ क्योंकि वैसा लॉकडाउन नहीं लगा लोग वैसे सोशली मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई तो इसलिए हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के उस तरह के इश्यूज भी नहीं हुए तो यहाँ पे अगर कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी तो वो उसकी इकोनॉमिक पोजीशन के साथ अटैच थी और उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ अटैच थी